उसके अलावा एक और चीज़ जो है ट्रिगर्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऑफिस में हैं, आपको ब्रेक हुआ, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक हो गया है, 15 मिनट का हो गया है, जितने भी होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको जो ब्रेक होती है क्लास के बीच में, लेक्चर्स के बीच में, या आप अपने दोस्तों के पास या कैंटीन में गए, जहाँ पे भी आप जाते हैं, आपको वहाँ सिगरेट की तलब होती है, ठीक है, क्योंकि आप यही कुछ तो करते रहे हैं। ब्रेक में भी अगर आप पीते थे, या फिर ऐसे क्लास बंक करके अगर आप पीते थे, या दोस्तों की महफिल में अगर आप पीते थे, तो उस टाइम पे आपको क्रेविंग होगी। तो एक तो आपने ये करना है कि ऐसे जगहों को स्टार्ट में बिल्कुल अवॉइड करना है आपने। अगर ब्रेक में आपको ब्रेक होती है, ऑफिस में है, तो आप किसी को फ़ोन कॉल करें, आप कैफेटेरिया में ना जाएं कि आपको सिगरेट की तलब हो। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल में है, जहाँ पे भी है आप, ठीक है, अगर आपको ब्रेक होती है, आप अपने माइंड को अपने हिसाब से डाइवर्ट करें कि मैंने उस जगह नहीं जाना जहाँ मैं सिगरेट पीता था, और उन दोस्तों के साथ भी नहीं रहना, या उन लोगों के साथ नहीं रहना जिनके साथ खड़े होकर मैं सिगरेट पीता था। उस टाइम पे आप अपना फ़ोन कॉल मिलाएं किसी और दोस्त को, उसे कॉल पे बात कर लें कि आपका दिमाग जो है डाइवर्ट रहे। आप कुछ दिनों के लिए ये वर्जिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने दिमाग के ऊपर काबू पा लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा रिलेशनशिप, मेक अ न्यू रिलेशनशिप, एक नया रिश्ता बनाएं। चूंकि सिगरेट के साथ या जो भी आप नशा करते हैं उसके साथ आपका एक पुराना रिश्ता था, आप उस रिश्ते को तोड़ के एक नया रिश्ता बनाएं। एक नया रिश्ता कैसे बनाया जाए, एक नया रिश्ता बनाएं, आपको खुद को आदत डालें, ठीक है, कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, अब मैं जिम जाऊँगा, ठीक है, एक्सरसाइज करूँगा, मैं जिम जाता हूँ। एक नया रिश्ता जिम के साथ बनाएं, वो भी नहीं करना, आप वॉक करना शुरू कर दें मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है, उसके साथ आप खुद को जो है आदी बनाएं। उसके अलावा आप सैलेड खाएं, जो फ्रेश वेज का, या फिर जो उसका सैलेड होता है आपका फ्रूट का, ठीक है, वो खाना शुरू कर दें, या ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दें, सही है। इवन अगर आपको आपके हाथ को आदत भी है, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस करा एम्प्टी हैंड में, कि आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं उस टाइम पे, कि आपका हाथ जो है वो बिजी रहे, आपके मुंह तक जाता रहे, ठीक है, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा। ये है कि एक नया रिश्ता बनाएं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि स्टॉप एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस मीन क्या, बहाने बनाना छोड़ दें, सही है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर वो आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी जगह से ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई हम आ रहे थे, हमारा तो इतनी ट्रैफिक थी, और ऊपर से टायर पंक्चर हो गया है, या फिर बारिश हो गई है, ठीक है, रास्ते में पूरा रोड बंद हो गया है। आप अगर रोड बंद हो गए तो आपकी सिगरेट से थोड़ी वो खुलेगा, अगर टायर पंक्चर हुआ है, ठीक है, तो आपकी सिगरेट जलाने से थोड़ी वो ठीक होगा, आपको उतना ही टाइम लगेगा। अगर आप सिगरेट पी भी और ना भी पी, तो आपको टाइम उतना ही लगना है। तो बहाने मत बनाएं अपने लिए कि भाई मैं अगर सिगरेट पीऊँगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर बाहर गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा 40-45 में टेम्परेचर है, और आप बहाना शुरू कर दे बाहर तो बहुत गर्मी है, चलो एक सिगरेट पी लेता हूँ मैं, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, तो मैं सिगरेट पी लेता हूँ टाइम पास के लिए, ऐसा नहीं है, ये आपके खुद के बहाने हैं। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आज से 8-10 साल पहले की बात है, अब तो मैं सर्दियों में नहीं गया, बहरहाल वहाँ पे बहुत ठंड होती है, और वहाँ के लोगों का ये बिलीफ है कि भाई अगर हम ठंड में सिगरेट पियेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर गर्मी आती है। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की गर्मी है, जिस्म की गर्मी नहीं है, ठीक है, तो ये बहाने हैं। उसके अलावा कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिगरेट पीने से वेट कम होता है, ठीक है, अगर हम जो है वेट कम करना चाहते हैं तो आप सिगरेट पिए, इससे वेट कम होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने कभी पढ़ा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर कम होगी, सही है। तो आप ऐसी चीज़ें इससे परहेज़ करें और अपने लिए बहाने ना बनाएं। उसके अलावा कुछ लोगों का ये बिलीफ है, ये स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, कि हम भाई सिगरेट पीते हैं तो हमारा फोकस सही हो जाता है, हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और हमारा दिमाग जो है अलर्ट हो जाता है। एक तो ये बात है कि निकोटीन जो आप ले रहे हैं, ये आपके दिमाग की परफॉर्मेंस को ऑलरेडी कम कर रहा है, और ऊपर ये आप एक और सूटा मार रहे हैं इसलिए कि मेरा फोकस सही रहेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब आप निकोटीन लेते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, आपकी बॉडी जो है वो सही रहती है, थोड़ी देर के लिए आप फोकस रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो और ज़्यादा आप खराबी की तरफ चले जाते हैं, सही है। तो ये बहाना भी ना लगाएं कि भाई मैं फोकस के लिए सिगरेट पी रहा हूँ तो इसलिए कि मेरा दिमाग सही रहे, अलर्ट रहे, मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आप ज़्यादा थके हुए फील करोगे। उसके अलावा कुछ लोग ये है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया है, कि वो खुद को कूल दिखाने के लिए सिगरेट पीते हैं, कि हम बड़े कूल दिख रहे हैं, ये हैंडसम दिखेंगे ऐसे हम अगर हम सिगरेट पीते हैं। भाई मेरे, जितने आपके मुंह से स्मेल आएगी ना, आपके दांत सारे जर्द हो जाएंगे, ठीक है, होंठ आपके जल जाएंगे ऐसे, लंग्स तो आपके जल रहे ही हैं, फेफड़े आपके सारे खराब हो गए हैं, लेकिन जो आपके मुंह से बैड स्मेल आएगी, ठीक है,
उसका क्या, लोग आपको इवन अगर आपके पास भी आते हैं तो आपसे दूर भागेंगे क्योंकि आपके मुंह से इतनी बदबू आएगी। तो ये बहाना भी छोड़ दें कि मैं कूल दिखने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका सिर्फ खाम ख्याली है आपकी। उसके अलावा क्या, उसके अलावा ये है कि आप अपने जो लिस्ट एक बनाए, ठीक है, फोकस ऑन बेनिफिट्स। अगर आप सिगरेट या कोई भी आप नशा कर रहे हैं, अगर आप वो छोड़ते हैं तो आपको उस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, आप उसकी पूरी लिस्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिगरेट या कोई भी नशा कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, तो मैं हेल्दी रहूँगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा ये हो सकता है कि मेरे जो उसके ऊपर पैसे लग रहे हैं, ठीक है, मनी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर, वो मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। वो इन जो होते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मतलब जो ज़्यादा खर्चे मेरे हो रहे हैं, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। वो पैसे मैं किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लूँगा, अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी सेहत को ठीक करने के लिए वो मैं यूज़ कर लूँगा। तो आप अपने लिए जो है एक पूरी लिस्ट बनाएं कि ये फ़ायदे हैं, और इसको अपने रूम में या जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ पे भी आपको सिगरेट की ज़्यादा तलब होती है, ठीक है, आप वहाँ पे इसको लगा दें और आते जाते उसको देखते रहें, तो आपको दिमाग को पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें तो है, इसमें फ़ायदे हैं मेरे, मैं क्यों करूँ ये सब, ठीक है। उसके अलावा आखिरी जो पॉइंट है हमारा, नेवर गिव अप, ठीक है, कभी आपने हार नहीं माननी। देखो, अगर किसी वजह से भी आपने दोबारा पीना शुरू करी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उस चीज़ को देखें कि आप फेल क्यों हुए थे, उस फेलियर को ढूंढें जिसकी वजह से आपने दोबारा सिगरेट पीना शुरू करी है, सही है। तो ये है कि आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, और अगर आप फेल हो गए हैं तो इसका मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि आप दोबारा उसी लाइन पर चढ़ जाओ जैसे आप पहले थे। दोबारा कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें, जितने बार आप फेल होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप सीख रहे हैं, सही है। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप लूज़र है, फेलियर का मतलब है कि आप सीख रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू। एंड फेलियर इवन मतलब है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि आप अगर फेल होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सीखने में जो है वो आपने पहला अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रूमिंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों से छुटकारा पाएंगे। तो ये है वो सारे पॉइंट्स जिसकी वजह से आप जो है सिगरेट से जान छुड़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपने इसके ऊपर फोकस करना है, और इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें, लाइक के बटन को छू लें, और शेयर करना ना भूलेगा, सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, जो वीडियो आप जिस टॉपिक पे भी कहना चाहते हैं आप सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना के देंगे। वंस अगेन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।